हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब? उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग एकदम से स्वस्थ होगे, एकदम मस्त होगे और अपनी पढ़ाई का भरपूर आनंद उठा रहे होगे। बच्चा लोग, इस वीडियो में हम लोग रैशनलाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद कुछ हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए बात करते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए कि ये एक्स जो है एक पॉजिटिव नंबर है, एक्स जो है एक पॉजिटिव रियल नंबर है, याद रखिएगा, तब उस कंडीशन में जो ये स्क्वायर रूट है, इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब होता है कि एक्स के पावर 1/2। अब यहां से सबसे पहला देखिए रूल, यहां देखिए स्टूडेंट्स, ये एक्स के पावर है 2, तो इसका क्या मतलब हुआ जरा समझिए। इसका मतलब हुआ कि ये एक्स के पावर तो 1/2 हो गया रूट का वैल्यू, और पावर में क्या है, 2, तो इस तरह से ये हो गया एक्स के पावर 1/2 हुआ इंटू 2, कट गया और वैल्यू हो गया एक्स। मतलब ये हुआ कि अगर लिखा हुआ है 3 की पावर, लिखा हुआ है ये 2, इसका मतलब हुआ 3 के पावर 1/2, और ये तो है बाहर से यहां पर 2, तो ये कट गया और हो गया कितना, ये 3 हो गया। लिखा हुआ 8, ये स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ, 8 हुआ। लिखा हुआ 7, ये लिखा हुआ स्क्वायर दिया हुआ, इसका मतलब हुआ 7 हो गया। यहां कुछ कितना भी बड़ा छोटा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 150 लिखा हुआ है, ये अंडर रूट है और स्क्वायर है, तो 150 हो गया। तो इसका मतलब हमने पहला रूल ये सीखा कि अगर अंडर रूट कोई चीज हो और उसके पावर में 2 दिया गया है, तो वो वैल्यू जो होता है एक्स के इक्वल टू हो जाता है। आपने जैसे समझा, एक्स का वैल्यू यहां पर 3 है, तो देखिए इसका वैल्यू कितना हो गया, 3, एक्स के वैल्यू 8 है तो वैल्यू 8 हो गया, एक्स के वैल्यू कितना है, 7 है, तो ये 7 हो गया, ये 150 है तो ये 150 हो गया। आइए दूसरा रूल समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा रूल कहता है कि अगर एक्स इंटू वाई है और ये रूट अंडर है, तो इसका मतलब होता है रूट अंडर एक्स इंटू रूट अंडर वाई। मतलब इसका यह हुआ कि अगर, या उस तरह से भी लिख सकते हैं आप, अगर आपको अलग देवा रूट एक्स इंटू रूट वाई लिखा हुआ है, तो आप इसको लिख सकते हैं रूट एक्स इंटू वाई। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल से इसे क्लियर करेंगे कि क्या कह रहा है ये रूल, क्या है। तो इधर जरा देखिए, ये रूट 5 है, स्क्वायर रूट पढ़ते हैं इसको, ये रूट 3 है। अब इसको लिखना है, तो देखिए ये एक्स है और ये वाई है, कितना हो जाएगा बोलो स्टूडेंट्स, ये 5 × 3 इक्वल टू लिख देंगे रूट अंडर 15। अब जरा देखिए लिखा हुआ है, एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, लिखा हुआ है 6 √6 × √3, इसका मतलब कि यहां आप लिख सकते हैं 6 × 3 √, आप चाहें तो लिख दें 36 = 18, ये हो गया। अब आइए उधर से आते हैं, लिखा हुआ है ये 12 √, तो 12 को हम चाहें तो लिख सकते हैं 4 × 3 √, आप हो गया ये √4 × √3। आप समझ रहे हैं, मतलब कि अगर रूट हो किसी नंबर पे, उसको 2 √2 हिस्सों 3 हिस्सों में जितना में बांटना है बटा जाएगा। इसका तो मतलब ये निकलता है कि आप इसी से ये समझिए कि लिखा है रूट ए इंटू बी इंटू सी, तो आप लिख सकते हैं रूट ए इंटू रूट बी इंटू रूट सी। एग्जाम्पल के तौर पे आप अगर लिखा हुआ है, यहां देखिए, अगर हम लोगों ने लिखा √20, ठीक है, अब इस √20 को किसी ने लिखा √2 × √5 √, एक और हमने 2 लगा दिया, देखिए 5 × 10 = 20 हो गया ना, तो लिखा जा सकता है इसको √2 × √5 × √2। तो इस तरह से आप अलग अलग हिस्सों में बांट देते हैं। अगर
ये रूट के अंडर हो तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, और ऐसा हो तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब आइए अगला नेक्स्ट रूल समझने की कोशिश करते हैं। लिखा हुआ रूट एक्स बाई ये रूट वाई, इसका मतलब हुआ एक्स बाई वाई ये रूट अंडर रूट हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको एग्जाम्पल से समझिए। लिखा हुआ है रूट फोर बाई रूट थ्री, तो कोई व्यक्ति इसको लिख सकता है फोर बाई थ्री अंडर रूट, अथवा आप उसके अपोजिट भी आइए, इस तरह से भी लिखा हुआ है। मान लीजिए लिखा हुआ है रूट अंडर एट बाई सेवन, तो आप चाहें ये दोनों पे रूट है तो आप चाहें तो लिख सकते हैं रूट अंडर सेवन, सॉरी रूट अंडर एट डिवाइडेड बाई रूट अंडर सेवन। मतलब अगर ये इस फॉर्म में दिया है तो आप इसको अलग से डिवाइड कर सकते हैं, अगर उस तरह से दिया हो तो इसको एक में ज्वाइन कर सकते हैं। अब उसके बाद देखिए आपको मैं बता रहा हूं कि आपने ये फॉर्मूला पढ़ रखा हुआ है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। अब यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो अब हम अगर ले लें इसको कहें कि रूट ए प्लस रूट बी इक्वल टू रूट ए सॉरी इंटू माइनस रूट बी इक्वल टू क्या होगा, ये हो जाएगा देखिए ए का ये हो गया ए है और उसका स्क्वायर करना है मुझे और माइनस रूट बी का स्क्वायर। अभी आपने कहा कि ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा ए और माइनस क्या हो गया ये बी, मतलब तो ये निकल के सामने आया कि रूट फोर माइनस रूट थ्री इंटू रूट फोर प्लस रूट थ्री ये लिखा हुआ है, तो ये वैल्यू हो जाएगा देखिए ये ए हुआ और ये कितना हुआ बी हुआ फिर ए और बी हुआ, तो इसका वैल्यू हो जाएगा फोर माइनस थ्री इक्वल टू वन। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये कुछ बेसिक इसके रूल होते हैं। अब हम आपको कुछ और बात समझा रहे हैं, पहले इसको नोट करिए उसके बाद। तो स्टूडेंट्स फिर से एक बार बात समझिए, ये स्क्वायर रूट कह रहा था, इसका मतलब हुआ कि यहां पर कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब ये दो है वास्तव में, इसका ये मतलब होता है, इसलिए इसको स्क्वायर रूट हम लोग कहते हैं। और एक्स के पावर वन बाई टू देखिए यहां पर लिख देते हैं। अब मान लीजिए आप इसको अब फिर से इस तरह से समझिए, ये क्यूबिक रूट लिखा हुआ है, पर थ्री लिखा हुआ है और एक्स लिखा हुआ, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि एक्स के पावर वन बाई थ्री। तो अब हम इसको इस तरह से समझेंगे कि लिखा हुआ है रूट थ्री और यहां पर भी मान लीजिए कि लिखा हुआ थ्री, चाहे यहां कुछ भी लिखा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, थ्री होना जरूरी नहीं है, मान लीजिए फाइव है और ये लिखा हुआ है इस तरह से घिर करके ऊपर ये थ्री, तो इसका मतलब हो जाएगा जरा समझिएगा, इसका वैल्यू हो गया आपका फाइव के पावर वन बाई थ्री और आप कह रहे हैं कि इसको आपने थ्री से ऊपर मल्टी किया हुआ है, मतलब थ्री टाइम्स किया हुआ है, तो ये कट गया और कितना हो गया फाइव हो गया। तो जो नंबर यहां है देखिए इधर यहां फाइव लिखा हुआ है, यहां पर लिखा है मान लीजिए कि 17 और ये लिखा हुआ है 5, तो इसका वैल्यू हो गया 17। लिखा हुआ है रूट, इधर ध्यान दीजिएगा ये रूट 4 लिखा हुआ है और यहां लिखा हुआ है 25 और ये 1/4, अगर यहां पर केवल 4 लिखा हुआ है तो इसका वैल्यू कितना हो गया ये 4 हो गया, सॉरी मुझे माफ करिएगा ये 25 होगा, मतलब जो यहां वैल्यू है। तो अगर हमको ये दे दिया जाए इधर देखिए कि रूट मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा हुआ 7 और ये 125 और पावर 7 लिखा हुआ है तो कितना हो गया 125। आप चलिए ये देख सोचिए बताइए, रूट 3 लिखा है और लिखा हुआ है यहाँ पर 8 और 3 लिखा हुआ तो इसका वैल्यू कितना हो गया 8 हो गया। आप समझ रहे कैसे 8 हुआ, देखिए एक बार फिर से समझिए, ये रूट लिखा हुआ है मान लीजिए कि 5 और यहाँ लिखा हुआ है 17 और इस तरह से लिखा हुआ 5 तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 17 के पावर में 1/5 है, आपने दे रखा है इसको 5 टाइम्स ये है तो इसका मतलब हुआ कि ये कट गया तो हो गया कितना
17 बचा। तो इस तरह से स्टूडेंट हम लोगों ने ये सीखा कि अब ये बताइए कि रूट थ्री है और यहाँ पर लिखा है एक्स इंटू रूट थ्री है और लिखा है वाई, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट अंडर एक्स इंटू वाई, लेकिन ये थ्री रहेगा। अब बताइए कि ये लिखा हुआ है फोर रूट थ्री और यहां पर थ्री लिखा हुआ है, इस सेवन लिखा हुआ, इसका वैल्यू बताइए क्या होगा, कुछ नहीं। अब ये दोनों देख रहे हैं ना, एक रूट है। अच्छा ध्यान रखिएगा, ये ध्यान दे दीजिएगा, यहां थ्री देना इसका मतलब हुआ कि एक्स के पावर वन बाई थ्री, और इस तरह से लिखा हुआ है और इसका इसका दूसरा मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि थ्री इंटू एक्स के पावर वन बाई टू, मतलब जितना आपको देना है ना वो इसमें रहना जरूरी है। तो यहां पर देखिए कितना हुआ, ये फोर और थ्री को क्या करिए, फोर और सेवन को मल्टीप्लाई, सात तरीके कितना हुआ 21 हुआ। और आप चाहें तो इस तरह से लिखिए, यहां पर थ्री दे दीजिए। अब आते हैं इस कुछ बेसिक कंसेप्ट जानने के बाद, अब हम लोग एक्सरसाइज बनाने की कोशिश करते हैं। आइए जरा एक्सरसाइज समझने की कोशिश करते हैं, कोशिश क्या हम लोग बनाएंगे, बढ़िया ढंग से बनाएंगे। एक्सरसाइज है 3.1 है। तो स्टूडेंट्स एक्सर हो गया साइज कितना, तो 3.1। तो आप इसको पहले नोट करें और फिर हम एक्सरसाइज 3.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स हमने पहला क्वेश्चन लिख दिया, देखिए आप देख रहे हैं कि क्यूबिक रूट हो गया है 4 है और यहां पर कितना है 16 है। तो इसका मतलब ये हुआ, अब आइए सिंप्लीफाई करें हम लोग। तो देखिए ये आप देख रहे हैं ना कि यहां पर भी क्यूब है, यहां पर भी क्यूब है, तो इसका मतलब हो गया अब कुछ इस तरह से 4 इंटू 16, और ये तो रहेगा ही रहेगा। तो अब क्या करेंगे हम लोग कि 4 और 16 को लिखेंगे 4 इंटू 4। अब ये देखिए यहां पर ये देते चलना है आपको, अब ये कितना 4 इंटू 4 इंटू 4, इसका क्या मतलब हुआ, ये हो गया 4 की पावर 3, और आप कह रहे हैं कि अभी भी यहां पर ये 3 है ये। तो अभी आपने क्या फॉर्मूला सीखा कि अगर x है और यहां पर अगर 3 है और अच्छा इसको देखिए हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, अब इसको घेर करके हमने दे दिया यहां पर 3, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहां पर भी इस तरह से भी दे सकते हैं। अगर ये 3 लिखा हुआ तो वैल्यू कितना हो जाता है x, कैसे x हो जाता भाई, तो हो जाता है देखिए इसका वैल्यू हो गया, इसका मतलब हुआ अगर हम लोग समझें तो इसका मतलब हुआ कि एक्स के पावर 1/3 और यहां पर 3 है ही कट गया। तो उस वही सेम फॉर्मूला लगा दें तो 4 के पावर 1/3 और ये कितना है 3, कट के कितना हो गया ये 4, तो डायरेक्ट आप यहां पर 4 लिख सकते थे, इतना दिखाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आप फॉर्मूला जान चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन है, लिखा है 1250, जरा देखिएगा ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, 1250 कितना है भाई, तो 4 है और यहां पर है 4 2, यहां पर भी 4 है, तो इसका तो मतलब हो गया ये वाला फॉर्मूला लगाइए, एक्स बटा ये वाई हो गया, कितना हो जाएगा एक्स बटा वाई, ये अंडर रूट हो गया, तो यहां भी 4 यहां भी 4, इसका मतलब हो गया 1250 बटा 2 और ये हो गया आपका 4। तो 1250 में 2 से आपने भागे हो गया कितना 625 और ये तो 4 रहा ही रहा। अब 625 को हम लोग क्या कर रहे हैं, तो देखिए आपने लिखा 25 और 25 25 625 ये कितना होता है 25 25 7 625 होता है ना जी, तो हमने पहले इसको दो हिस्सों में तोड़ दिया, इतना आसान से कर दें। उसके बाद 25 को लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, मतलब 625 को आपने तोड़ दिया, देखिए कितनी बार में टूटा ये 1 2 3 4, ये 4 हुआ, इसका वैल्यू इसका मतलब कितना हुआ कि आप लिख सकते हैं 5 ये हो गया और आपको ऊपर हो गया 4। तो देखिए फिर तो वही फार्मूला आ गया ना, फार्मूला तो वही हो गया कि एक्स यहाँ पर आपका ये 4 है और पावर में क्या है ये 4 है, तो कितना वैल्यू होगा एक्स होगा, तो इसका मतलब उस फार्मूला के हिसाब से वैल्यू कितना हो गया ये बताइए 5 हो गया। तो इस तरह से स्टूडेंट ये हो गया। अब आइए ये वाला फार्मूला लगाएं, अब हम ये चाहते हैं कि हम आपको ये दे रहे हैं HW में, आप इसको बनाइए, फिर इसमें अभी एक और सवाल है वो बना रहे हैं, आपको बनाना है 3, ये हो गया 7,
इंटू 321। इसका आपको वैल्यू बताना है क्या है। एक दूसरा क्वेश्चन है, 2 8 है, यहां पर 2 और 32 है, आपको बताना है इसका वैल्यू कितना है। ठीक है, अब देखते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन है जो कि ज्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से, इसे मिटा देते, इसकी कोई जरूरत नहीं है। एक तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, और ध्यान से देखना होगा स्टूडेंट, ऐसे लिखा हुआ है 4 28 इंटू, लिखा हुआ है सॉरी डिवाइडेड है 3 into 7 लिखा हुआ। जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो 4 है, ये जो रूट है उसके अंडर में नहीं है, ये बाहर है। इसका क्या मतलब हुआ, यहां पर समझिए, लिखा हुआ है 3x, इसका मतलब हुआ 3 into root, मतलब हो गया 3 times, मतलब √x into √x into √x। इसको क्या लिखा हुआ है, इसको लिखा हुआ 3 √x। तो इसका मतलब हुआ, अब देखिए डिवाइड है तो इसको 4 को हम बाहर नहीं रखेंगे, और 28 है, डिवाइडेड बाई हो जाएगा 3 है और ये 7 है। तो अब ये तो आपके अंडर रूट हो ही जाएंगे ना, तो हो जाएगा 4 / 3 तो रहेगा ही, और ये रूट अंडर हो जाएगा कितना, तो 28 / 7, ये 7 * 4 = 28, 4 बार में कट जाएगा दोस्त, तो ये हो जाएगा 4/3 और 4 लास्ट मिनट में लाइट थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया, तो हम बात करते 4/3 और ये 7 * 28 कट गया कितने बार में, 4 बार में। तो रूट अंडर 4 का वैल्यू कितना होता है, 2 2 into 2, तो इस तरह से हो गया इसका वैल्यू 4/3 into 2, मतलब 8/7। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ये समझ रहे होंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो आगे का जो सवाल है उसे सॉल्व करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।